नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो भैया कल की वीडियो में हमने पढ़ाया था, है ना, द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, क्या पढ़ाया था कल? द्रव्यों का भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, आज पढ़ाने वाले हैं आप सबको द्रव्यों का, है ना, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं भैया केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, सुनना रही बात, यानी कि जो द्रव्य हैं, है ना, उनको वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, दो भागों में, है ना, या फिर मतलब जो क्या नाम है उसका वर्गीकरण था दो भागों में किया गया, एक रासायनिक दूसरा क्या था भौतिक। तो आपको भौतिक पढ़ा दिया गया है, आज पढ़ाएंगे रासायनिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर। सर ये संगठन क्या होता है? संगठन का मतलब होता है भैया जिस चीज से वो द्रव्य बना हुआ है। ठीक है, है ना, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा तत्व के बारे में ना, तत्व हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान ये सब जो है ना वही। ठीक, तो द्रव्य का जो रासायनिक संगठन है उसके आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया। इसका मतलब क्या होता भैया? बांटना। ठीक है, इसका मतलब बांटना होता है, ये बांटा गया। ठीक है, या फिर इसको वर्गीकृत किया जा सकता है ना, किस किस भाग में? देखिए शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ, है ना, यानी कि भैया प्योर और इम्प्योर। ठीक है, या फिर हम अशुद्ध पदार्थ को मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रण, है ना, इसका एक नाम और क्या भैया? मिश्रण। ठीक है, हम जो है इसे मिश्रण के नाम से भी जानते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत बताइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे, शुद्ध पदार्थ क्या है ना, शुद्ध पदार्थ जो है उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है भैया, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ, है ना? तो वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर, यानी कि भैया वो चेंज ना हो, यानी कि बदले ना। ठीक है, यानी कि क्या हो, कॉन्स्टेंट रहे। ठीक है, यानी कि स्थिर रहे, वा फिर क्या रहे, निश्चित, है ना, यानी कि ये कॉन्स्टेंट रहे अथवा निश्चित का मतलब भी वही होता है। ठीक है, यानी कि जो पदार्थ है उसके अंदर उसके जितने प्रत्येक भाग है, ठीक है, उसकी संरचना और संगठन पूरा का पूरा क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, यानी कि वो कभी बदले ना, है ना, वही पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं भैया। ठीक है, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके अंदर का जो भाग है ना, वो हमेशा क्या रहे, स्थिर रहे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोना, है ना, तो जो सोना होता है, ठीक, सोना क्या भैया, सोना को मतलब देखते थे कुछ दिन बाद जो है उसके अंदर क्या चांदी आ जाता है क्या? नहीं आता। तो जो सोना होता है वो काफी दिन तक मतलब उसके जो प्रत्येक भाग हैं हर जगह पर उसमें सोना ही तो रहता है ना। बिल्कुल वही बात कि प्रत्येक पदार्थ जिनके वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन, यानी कि हर एक जगह तुम जहां चेक करो, ठीक है, कहीं से भी तुम काट के सोना को चेक करो तो हर जगह सोने के तो भाग दिखेंगे, है कि नहीं? वही बात कर रहा है, प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर व निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इसे भी दो भागों में बांटा जा सकता है, किस किस भाग में भैया? देखिए तत्व एवं यौगिक। ठीक है, किसकी बात किया है? तत्व की बात किया और यौगिक की, यानी कि शुद्ध पदार्थ जो होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से? तत्व और यौगिक। ठीक, आगे देखिए, अब शुद्ध पदार्थ के अंदर पहली हेडिंग क्या है? तत्व, है ना, क्या है? तत्व। अब तत्व की परिभाषा क्या होती है, है ना, अगर ये शुद्ध पदार्थ का एक भाग है, है ना, तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, कि जो तत्व की परिभाषा होती है वो क्या होती है? वह शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो अन्य अवयवों में अपघटित किया जा सकता है और ना ही उसे निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ना तो उसे अपघटित किया जा सकता है और ना ही निर्मित किया जा सकता है, तत्व तो कहलाता है। ठीक है, अब भैया निर्मित और अपघटित का मतलब क्या होता है? तो भैया देखिए, अपघटित का मतलब ये होता है किसी चीज को तोड़ देना दो तीन भागों में। ठीक है, अब जैसे आप यहां देख लीजिए, ये होता है पानी H2O, है ना, ठीक, ये पानी का सूत्र होता है, आगे चल करके ये टूट जाता है ना, या फिर देख लीजिए यहाँ पे H2+O2, है ना, ठीक, अपने अपने क्या नाम है, अलग अलग तत्वों के अंदर। ठीक है, ये एक तरह का यौगिक था,
ये टूट करके अलग अलग क्या नाम है, तब तो मैं बट गया। वैसे तो इसके लिए वो क्या नाम है, ये भी टूटेगा तो हमेशा 2s पे 1 प्लस प्लस o पे 1 माइनस आता है, ठीक है। सुनारी बात इस तरह टूटता ना, तो जो पानी है देखिए ये अपने अवयव में टूट गया। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है, ना तो शुद्ध पदार्थ किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा ना तो अपने अवयव में अपघटित किया जा सकता है और ना ही उसको हम बना सकते हैं, यानी कि निर्मित किया जा सकता है उसको, ठीक है। वही कहलाता है तत्व, आई बात समझ में। यानी कि जैसे कार्बन है ना, कार्बन को आप कितना भी तोड़िए, कितना भी करिए, चेंज करिए, बदलिए ना, जैसे कोयला, ठीक है, तो वो कोयला ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक। जैसे कि आप अगर सोडियम की बात करें, सोडियम है ना, इसको भी तोड़ करके अलग करेंगे तो वो सोडियम ही रहेगा, कुछ भी करेंगे सोडियम ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है, समझा रहे। पोटेशियम भी वैसे, यानी कि आप जानते हैं, जैसे यहाँ पे सोना भी आ सकता है, सोना है ना, गोल्ड, ठीक है, ठीक। आगे देखिए, तत्वों को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया, मतलब कि पहले देखिए यहाँ पे तत्वों का रासायनिक वर्गीकरण किया, क्या नाम है, द्रव्यों का रासायनिक वर्गीकरण किया गया, इसको दो भागों में बांटा गया, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ। फिर उसके बाद शुद्ध को यहाँ, यानी कि पहला पॉइंट जो है शुद्ध पदार्थ, उसकी पहली हेडिंग में आता है तत्व, ठीक है, और साथ में कौन आ रहा है यहाँ पे, यौगिक। अभी यौगिक नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी तत्व पढ़ा रहे हैं। तो तत्व में यहाँ देखिए तत्व को अभी आगे जो पुनः तीन भागों में विभाजित किया जा रहा है ना, धातु, अधातु एवं उपधातु, ये तत्व के ही प्रकार है, ठीक। उसके बाद आएगा यौगिक, ठीक है, सुनारी बात। तो देखिए यहाँ पे तत्व के एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे। अब देखिए तत्वों को पुनः तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु। सर अब ये धातु क्या होते हैं, है ना, तो ये देखिए जो धातु होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं मेटल, क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं, ठीक। आर्यवासन में बढ़िया, वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं, यानी कि भैया अब विद्युत धनात्मक का मतलब क्या होता है, देखिए धनात्मक का मतलब वो होता है ना, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि वायर यानी कि तार जो होते हैं, बोर्ड के तार वगैरह में, है ना, दो तार होते हैं, एक पे धन होता है यानी कि धनायन, दूसरा क्या होता है, ऋणायन होता है ना, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वे तत्व जो विद्युत के धनात्मक होता है, यानी कि बिजली है ना, विद्युत का मतलब वही है, ठीक है, धारा जिसमें से करंट बहता हो ना, तो धनात्मक का मतलब है जिसपे धनावेश चार्ज बना, यानी कि धन जो धनावेश हो या जिसपे धन आवेश आ जाता हो, ठीक, समझा रहा है। तो वे तत्व जो विद्युत के क्या हो, धनात्मक हो, तथा जिनके अंदर है ना क्या हो, चमक हो, यानी कि चमकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, और क्या हो, कठोर हो, यानी कि कठोरता उसके अंदर हो, ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है ना, देखिए आघात वर्धनीयता जो होती है, इसका मतलब होता है कि अगर आप उसको पीटते हैं ना तो उसमें से क्या निकलेगा भैया, ध्वनि निकलेगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या है, वो धातु है, ठीक, समझ आ रही बात। यानी कि अभी देखिए इतने गुण बता रहे हैं धातु के कि वे तत्व जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा जिनके अंदर चमक, कठोरता, आघात वर्धनीयता होती है, साथ में अभी और बोल रहा है, ठीक है, अभी और कह रहा साथ में, जो विद्युत और ऊष्मा यानी कि भैया बिजली है ना, करंट और ऊष्मा यानी कि हीट, अंग्रेजी में कहते हैं इसको हीट, ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब जिसके अंदर से भैया है ना विद्युत अच्छे से प्रवाहित हो जाती है, विद्युत और ऊष्मा, यानी कि अगर आप लोहे की रॉड को ऐसे गर्म करिए ना, छड़ को, ठीक है, एक किनारे गर्म करेंगे दूसरी साइड में अपने आप गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि भैया यहाँ पे हीट जो है ऊष्मा यहां से इस तरफ जा रही है, ठीक। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो विद्युत धनात्मक होते हैं तथा जिनके अंदर चमक, कठोरता अथवा आघात वर्धनता होती है तथा जो विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक, आई बात समझ में। इसमें उदाहरण में क्या भैया, सोना है, चांदी है, तांबा है ना, प्लेटिनम है, ठीक है, आई बात समझ में। इसके अलावा भी बहुत होता है, ठीक है, तो ये भैया धातु के उदाहरण थे, ठीक। अगला देखिए अधातु क्या होता है ना, अधातु को अंग्रेजी में कहते हैं नॉन मेटल, क्या कहते हैं भैया, नॉन मेटल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा कि वे तत्व है ना, वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि जिनके अंदर से क्या नाम है, विद्युत प्रवाहित नहीं होती, ठीक, या ऐसा कह सकते हैं
हाँ मतलब कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि अगर इसमें करंट जाएगा तो पूरा अवशोषित कर लेगा, मतलब इससे जो है धारा नहीं बहेगी, ठीक है। पहली बात, अगर इसको हम कहीं पे लगा देंगे ठीक, तो ये बिजली को रोकने का काम करेगा, यानी कि आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक समझ गए। तो वे तत्व जो विद्युत ऋणात्मक होते हैं तथा जिनके अंदर चमकहीनता होती है, यानी कि जो चमकदार नहीं होते हैं, ठीक समझ गए। और ये भंगुरता, अगर हम उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। साथ में मृदुता, यानी कि इसके अंदर कोमलता पाई जाती है, ठीक, यानी कि ये काफी ज्यादा मुलायम होते हैं पाई जाती, तथा जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। देखिए बोल दिया ना यहाँ पे, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक, यानी कि इनके अंदर के भैया क्या होता है, विद्युत यानी कि धारा है ना, और ऊष्मा दोनों प्रवाहित नहीं होती, यानी कि नहीं जा पाती, ठीक। इसमें कुछ क्या नाम है, इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन सब के अंदर से भैया विद्युत नहीं जा पाती, ठीक, बिजली है ना, करंट नहीं जा पाता, ठीक। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिसके अंदर से ये होता है, ठीक है, जैसे कि एक है ग्रेफाइट, है ना, क्या है, ग्रेफाइट है ना, लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट है ना, ये भी क्या है, एक तरह का अधातु है, पर इसके अंदर से भैया विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक तरह का अपर रूप होता है, ठीक है, कार्बन से ही मिलकर के बना होता है, और आगे चलते थे ये हीरा बन जाता है, ठीक है, डायमंड है ना। तो आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, उपधातु, ठीक, ये एक तरह का क्या है, अनुवाद है, ठीक है, इक्षतन है भैया, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट के अलावा जितने भी यहाँ पे आधात होते हैं ना, सबके अंदर ऊष्मा और विद्युत नहीं भरेगा, ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर से जो पेंसिल के अंदर भरी रहती है ग्रेफाइट, अगर उसमें तुम वायर का, किसी भी तार का करंट अगर फ्लो कराओगे ना, तो उसमें से धारा बहेगी, ठीक है, और करंट जाएगा, है ना, आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या, उपधातु, उपधातु को कहते हैं मेटालॉइड, क्या कहते हैं, मेटालॉइड कहते हैं, ठीक है। अब मेटालॉइड क्या होता है भैया, देखिए सिंपल ही बात है, तुम लोगों ने पढ़ चुका, तुम लोग पढ़ चुके हो धातु और अधातु ना, तो जो धातु के गुण है और अधातु के गुण, इन दोनों को मिला करके, ठीक है, मिक्स कर दीजिए, और जितने भी गुण आएंगे उसमें से कुछ गुण ऐसे हैं जो मतलब अधातु के अंदर, उपधातु के अंदर आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वे तत्व जिनके अंदर धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, ठीक, जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि, ठीक है, सुनारा, आर्सेनिक, जर्मेनियम और भी है ना, पर यहाँ पे दो ही लिखे हैं, ठीक है। तो उपधातु में क्या 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 आ रहा है भैया, आर्सेनिक और जर्मेनियम, ठीक, इतना समझाया, ठीक। तो भैया आप लोगों ने पढ़ा धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, क्या नाम है, तत्व के बाद क्या आ रहा है, यौगिक, ठीक है, दूसरा हेडिंग यौगिक है ना, जिसे हम अंग्रेजी में क्या करें, कंपाउंड करें, ठीक है भैया। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वह शुद्ध पदार्थ, इसकी परिभाषा क्या, देखिए यौगिक हम किसे कहते हैं ना, देख लीजिए, ठीक है, देखिए वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यौगिक कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे है ना, ये हाइड्रोजन होता है ना, और ये ऑक्सीजन, H2 और O2 की अभिक्रिया कराएंगे, है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा भैया 2H2O, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, क्या नाम है, 8 होता है, ठीक, इसका एक होता है ना, तो एक अनुपात 8 के अनुपात में मिल रहा है ना, यानी कि इनके अंदर जो रेशियो भैया वो किस चीज का है, 1:8 का, है ना। तो ये जो अनुपात की बात कर रहे हैं यहाँ पे, निश्चित अनुपात, ठीक है, तो जो रासायनिक संयोग के द्वारा यहाँ पे मिलाए जा रहे हैं, ये 1:8 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, ठीक, और ये जो रासायनिक संयोग द्वारा यहाँ पे प्राप्त किया जा रहा है, यही कहला रहा है यौगिक, ठीक है। अगर कभी भी है ना कोई यौगिक अनुपात में है और वो मतलब उसका अनुपात हमेशा बदलता नहीं है, यानी कि फिक्स रहता है, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, ठीक है, समझ आ रहा है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक निश्चित तत्वों के, है ना, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में, ठीक है,
यानी कि ये जो तत्व है इनके निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करवाने पर या द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना, जिसको ठीक है वही क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं पा रहे हैं, तो फिर यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक, लेकिन ये क्या है, एक तरह का यौगिक है। ठीक है, समझा रहा है, क्योंकि भैया हम इसको निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं और यहाँ पे ये बन रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे देखिए, यौगिक के कुछ सामान्य लक्षण है ना, यानी कि यौगिक जो होते हैं है ना, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक, दो ही पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा, यानी कि जो रासायनिक विधि है ना, किसी चीज को, किसी दो तत्व को या क्या ना पदार्थों को मिला के हम तीसरा बनाते हैं ना, या किसी एक पदार्थ को हम गर्म करके या ठंडा करके उसको अपघटित करते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं। ठीक है, तो तोड़ना होता है इसका माने ना। ठीक, इसका मतलब क्या होता है भैया, तोड़ना है ना, अलग करना। ठीक है, तो यौगिक को हम रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके उसके मूल यानी कि जो बेसिक होता है ना, मूल तत्वों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए है यहाँ पे HCl, जिसका नाम होता है भैया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। अब इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, विद्युत रासायनिक अपघटन करवा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये एच जो है टूट जाएगा एच प्लस में, और जो सीएल है वो टूटेगा वहां से सीएल माइनस में। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सीएल माइनस का मतलब ये हो जाएगा क्लोराइड, और ये हो जाएगा एच प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो भैया देखिए ये जो है इसके क्या है, ये मूल है। ठीक है, यानी कि इसके जो है बेसिक तत्व है। ठीक है, यानी कि जो HCl है वो किससे मिलकर के बना है, तो यहाँ पे बता रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो जो मूल तत्व की बात कर रहा है वो यही है, एक ये है और दूसरा ये वाला है। ठीक है, समझ आई बात। तो देखिए, यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा अपघटित करके उसके मूल तत्वों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, हमने दिखाया ना आपको, यानी कि इसको जो है हम रासायनिक विधि द्वारा अपघटित कर देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक, आई बात समझ में। पहला पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यौगिकों के गुण, यानी कि जो यौगिक होते हैं, यानी कि जैसे ये यौगिक है ना, इसमें दो या दो से अधिक तत्व मिले हुए हैं निश्चित अनुपात में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इनका अनुपात क्या है, 1:1:1 है ना, यानी कि एक ये है ना, जैसे देख लीजिए। और वैसे तो 1:17 है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक एक होता है, इसका 17 होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो देख लीजिए, यहाँ पे यौगिकों के जो गुण है वो अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब जो होता है बता रहे हैं आपको, हाँ, यौगिकों के गुण अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। अवयवी का मतलब होता है इनके जो अवयव हैं, जैसे कि ये पूरा यौगिक है, इसमें एक अवयव जो है एक ये है। ठीक है, हाइड्रोजन एक अवयव है और क्लोरीन भी एक अवयव है। ठीक है, तो इनके जो गुण रहेंगे वो अलग रहते हैं। ठीक, सुनना रही बात, यौगिकों के गुण अपने अवयव तत्वों से भिन्न होते हैं है ना। जैसे कि हाइड्रोजन का कैरेक्टर कुछ और रहेगा, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे है ना, एग्जाम्पल देख लीजिए पानी का। ठीक है ना, आपको पता है पानी का काम क्या है ना, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये बनता क्या है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन गैस होती है ज्वलनशील, यानी कि ये जल जाती है। ठीक है, जलती है, अगर कहीं से भी हल्की सी ऑक्सीजन गैस इसको मिल जाए है ना, तो ये जल जाती है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन गैस का काम क्या होता है भैया, इसका काम होता है किसी भी चीज को जलाना है ना। अगर आग लगा रहे हो कहीं पे, अगर वहां ऑक्सीजन है तभी वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, जैसे आप माचिस से किसी कागज को जलाते हैं ना इसे, या फिर माचिस को जलाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन गैस रहेगी तभी ना जलेगा। ठीक, अगर नहीं रहेगी तो नहीं जलेगा। ठीक है, तो भैया इसका काम है जलाना। ठीक है, और ये इसका काम है जलना, यानी कि ये जलती है। ठीक, इसका काम है जलाना, और ये जो है जब दोनों मिक्स होकर ये चीजें बनाएंगे इस चीज को ना, तो ये जो है इसका काम क्या है, बुझाना। ठीक है, आग अगर कहीं लगी होती तो क्या करता है, ये बुझा देता ना। यानी कि देखिए भैया, जब इनके अवयवी तत्वों की बात करेंगे है ना, ये इन दोनों का, ठीक है, तो देखो आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये जलती है मतलब ज्वलनशील होती है ना, और ये जो है जलाती चीजों को। ठीक है ना,
और इन दोनों के मिलने के बाद देखो इसका गुण बदल जा रहा है और ये क्या कर रहा है, बुझा रहा है। ठीक है, ठीक, जलती है जलाती है और जले हुए को बुझाती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो भैया फॉर्मूला भी इसका बन जा रहा है ना, जलती है जलाती है और जले हुए को बुझाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये समझा गया, दो पॉइंट जो थे, यौगिकों के गुण अपने अवयव तत्वों से भिन्न होते हैं। ठीक, क्यों भिन्न होते हैं पहले हमने आपको बता दिया, अब आगे देखें। ठीक है, यौगिकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है ना भैया? ठीक है, ये नई पॉइंट बोल रहा है यहाँ पे, नया नया बात बोल रहा है यहाँ पे कि यौगिकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि जैसे अभी हम लोग विभाजित करते करते पढ़ पढ़ के मतलब पढ़ते हुए आ रहे हैं वैसे ही। ठीक है, तो यौगिकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, किसमें किसमें भैया? एक तो अकार्बनिक है, दूसरा कार्बनिक यौगिक। ठीक है, अब अकार्बनिक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, अब देखिए किसे कहते हैं, वे यौगिक जिनका निर्माण, जिनका क्या निर्माण है ना, कार्बन के अतिरिक्त यानी कि कार्बन को छोड़ दो है ना। ठीक है, कार्बन को छोड़ दो यानी कि केवल इसे छोड़ दीजिए है ना, इस तत्व को छोड़ दो कार्बन। ठीक है, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं कार्बन को। ठीक है ना, कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं के संयोग द्वारा अकार्बनिक यौगिक मतलब संयोग द्वारा जो बनता है ना, या फिर कह रहे हैं देखो वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बनिक के अतिरिक्त, कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है ना, अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक, समझ गए? यानी कि वे यौगिक जिनका निर्माण कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के परमाणुओं के संयोग द्वारा होता है अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक, समझ गए भैया? जैसे कि उसके अंदर कार्बन हो ही ना, ठीक है, ये कार्बन ना होना चाहिए। जैसे अगर HCWH, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, फार्मिक अम्ल है। ठीक है ना, फार्मिक अम्ल जो चींटी के अंदर पाया जाता है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन आया है ये भैया कार्बनिक यौगिक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, ये अकार्बनिक है, तो हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अकार्बनिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखो दिया गया ना, पानी है, अमोनिया है और अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे कि यूरिया होता है ना। ठीक, यूरिया नहीं होता भैया है ना, सॉरी सॉरी, ये देख लीजिए यहाँ पे पानी दिया गया है, अमोनिया दिया गया है ना, NH3 को हम अमोनिया कहते हैं, HUO को पानी कहते हैं, NH4Cl को हम अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा भी बहुत आते हैं। ठीक है ना, तो आगे देखिए भैया कार्बनिक यौगिक, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। ठीक, ये क्या होता है, वे यौगिक जिनका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने से होता है। ठीक है, समझना रख नहीं आ रहा है, केवल और केवल इसमें क्या क्या आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि इन्हीं दो तत्वों के मिलने से हो रहा है ना, बाकी इसके अलावा इनके अंदर नाइट्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तत्व भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर आ जाते हैं ना, आदि तत्व पाए भी जाते हैं। ठीक है, यानी कि वे तत्व जिनका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन से होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, समझ गए? कार्बनिक यौगिक में 90% क्या है, बस केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, 90% की बात कर रहे भैया। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है ये दोनों। ठीक है, बाकी इसके अलावा 10% में ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन क्या नाम है, सल्फर आता है, नाइट्रोजन आता है। ठीक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देख लीजिए, CH4 यानी कि मेथेन है ना, मेथेन में एक कार्बन चार हाइड्रोजन। ठीक है, याद देखिए बेंजीन C6H6 है ना, छह हाइड्रोजन छह कार्बन, C2H5 अरे भैया वही 70 है ना, 70 वाला है ना एल्कोहल। ठीक है, शराब है ना, तो देखिए क्या है, शराब। ठीक है, शराब है, ये क्या है, बेंजीन है ना। ठीक, और ये भैया तुम्हारा मेथेन। तो इस तरह के जो तत्व होते हैं, क्या नाम है, कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, अगर आपको कोई दिक्कत हो है ना, तो भैया प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, हम उसी को बता देंगे। ठीक,